हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और हम लोग कैटलॉन नंबर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कैटलॉन नंबर से कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ये हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे कि कैटलॉन नंबर की कैसे की जाए। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम सी जीरो की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 0 होती है। सी वन की वैल्यू 1 होती है। सी टू की वैल्यू होती है सी जीरो सी वन प्लस सी वन सी जीरो। एंड सी थ्री की वैल्यू होती है सी जीरो देन सी वन देन सी टू। उल्टा लिख दीजिए सी टू सी वन सी जीरो। तो हमें ये सम करना है। इसका मतलब कि तीन एडिटिव टर्म्स हैं इसमें। इसके अलावा सी फोर की हमारी वैल्यू होती थी सी जीरो देन सी वन देन सी टू देन सी थ्री। देन उल्टा लिख दीजिए इसको सी थ्री सी टू सी वन एंड सी जीरो। एंड देन आपको इसको सम करना है। इसका मतलब क्या है कि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और एन माइनस वन तक वेरी करा रहे हैं। अगर आप सी एन फाइंड कर रहे हैं सो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू सी जीरो सी एन माइनस वन प्लस सी वन सी एन माइनस टू एंड सी टू सी एन माइनस थ्री एंड सो ऑन सो फोर। जो लास्ट टर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू सी एन माइनस एन सी जीरो सी एन माइनस वन एंड सी जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि हमें जो जनरेट करना है टर्म्स वो एक एक करके जनरेट करेंगे, एक दो एंड सो ऑन सो फोर, और उसको ऐड करते रहेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो यही तरीका हो सकता है कि हम एक एक करके इन टर्म्स को फाइंड करें और ऐड करते रहें। तो इसको हम एक लूप लगा के कर सकते हैं। अगर हमने हमें ये प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें सी एन की जरूरत है तो उसके लिए हमें सी एन माइनस वन की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास सी एन है, अगर हमें सी टू फाइंड करना है तो हमें सी वन की जरूरत पड़ेगी। सी वन फाइंड करना है तो सी जीरो की जरूरत पड़ेगी। या हम अगर कहेंगे सी फोर फाइंड करना है तो सी थ्री की जरूरत पड़ेगी। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए या देखते हुए हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक रिकर्सिव कोड बना लेते हैं। तो ये हमारा सी में प्रोग्राम बन रहा है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनेगा। और इसमें हमने एक मेन ले लिया है और मेन से हम एक कैटलॉन नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। सो लेट्स से कैटलॉन नंबर का नाम है सी टी ए एल ओ एन। ये एक फंक्शन है जिसमें हमने एन पास किया है और ये हमें एक डेटा वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट्स से वो डेटा वैल्यू एक्स है। सो एक्स में हमने कैटलॉन नंबर को एक्सेप्ट कर लिया है एंड देन हम इसको प्रिंट करके देख लेंगे कि हमारा कैटलॉन नंबर सही है कि नहीं है। सो प्रिंट है परसेंटाइल डी एंड एन। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या बनाते हैं, जैसे हमने फाइबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखा था बिल्कुल वैसा ही हमारा प्रोग्राम ये बनेगा। फिर हम इसमें देखेंगे कि क्या डिफिकल्टी आती है, फिर इसको करेक्ट करेंगे फर्दर। सो हमने यहाँ पे एन पास किया है और यहाँ पे दो बेस कंडीशन लगा देते हैं कि अगर एन की वैल्यू जीरो है तो ये वन रिटर्न करेगा क्योंकि कैटलॉन नंबर जीरो वन होता है। और अगर हमारा नंबर या जो एन की वैल्यू हमारी पास हुई है उसकी वैल्यू वन है तो हम रिटर्न करेंगे वन क्योंकि सी वन भी वन होता है। और अगर सी वन की वैल्यू हमारी एन की वैल्यू हमारी ना जीरो है और ना ही जो है हमारा वन है तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक सम है एस है और इस एस की वैल्यू को पहले से जीरो इनिशलाइज किया गया है। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। लूप में हम आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन या लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन तक वेरी कराएंगे और हम कहेंगे कि एस इज इक्वल टू एस प्लस। पहले हमें कैटलॉन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। कैसे लेंगे, अगर आई की वैल्यू जीरो है तो आपको पता है कि पहला टर्म होगा जीरो एन माइनस वन, तो उसको लाने के लिए आई और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको कैटलॉन एन माइनस आई। इससे एन आएगा तो हमें एन माइनस वन चाहिए, इसलिए हम माइनस वन भी इसमें कर देते हैं। सो एस इज इक्वल टू एस प्लस दिस। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी उसको रिटर्न कर देंगे, मतलब एस की जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमें कैटलॉन नंबर फाइंड करना है। कैटलॉन नंबर फाइंड करने के लिए एन गिवन है, बेस कंडीशन क्या होंगी कि एन की वैल्यू अगर जीरो है तो वन रिटर्न करेंगे, मतलब सी जीरो इज जीरो सी जीरो इज वन सी वन इज ऑल्सो वन। और इसके बाद अदर केसेस में हमें लूप लगा के टर्म्स को फाइंड करना है और सम में हम इसको ऐड करते रहेंगे। आई हमने यूज किया है इसलिए हम आई को डिक्लेयर कर लेंगे और ये हमारा कैटलॉन नंबर का एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार है। रन करके देखते हैं इसको। और रन करने के लिए हमें छोटे छोटे चीजों को
देखना पड़ेगा क्योंकि एन की डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो आइए हम इसमें एन की वैल्यू पास कर देते हैं। लेट से हम फिफ्थ कैटलॉन नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि फिफ्थ कैटलॉन नंबर हमारा 42 आना चाहिए। ओके यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 42 हमें रिटर्न करके दे रहा है। इसका मतलब कि इसने सही फाइंड किया कैटलॉन नंबर। इसके बाद मान लेते हैं कि हमने सिक्स कैटलॉन नंबर फाइंड करना है, तो जो सिक्स कैटलॉन नंबर है रन करके देखते हैं, दिस इज 132, सिक्स कैटलॉन नंबर इज 132। तो इसका मतलब है कि कैटलॉन नंबर सही दे रहा है। मान लीजिए कि आपको एक एक साथ जो है कैटलॉन नंबर जो जनरेट करना है वो 30th या 20th कैटलॉन नंबर लेट्स हमें जनरेट करना है, तो हम देखते हैं कि कितनी देर में हमें आंसर देता है। फाइन, सो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, और ये हो सकता है कि काफी टाइम लगा है हमारे आंसर को फाइंड करने में, ये अटक गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिपीटेड कॉल्स कर रहा है सिंगल नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसी बात करें कि हमें एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें फिफ्थ कैटलॉन नंबर चाहिए, ये सिर्फ फिफ्थ कैटलॉन नंबर को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक लूप लगा दिया। जब हमने एक लूप लगाया है तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये देखेगा कि C0 एंड देन C5, C4 इसको चाहिए, हालांकि इसको इसके बाद फिर C1 और C3 भी फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद फिर इसको फाइंड करना पड़ेगा C2 एंड C2, एंड देन फाइंड इसको करना पड़ेगा C3 एंड देन C1, एंड देन फाइंड करना पड़ेगा इसको C4 एंड C0। चूंकि रिकर्सिव कॉल है, ये बेस कंडीशन है, इसको नंबर मिल जाएगा 1। इससे इसको नंबर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा कि C4 को फाइंड करने के लिए एक कोड चला देगा, C4 से को फाइंड करने के लिए फिर से ये लूप में रहेगा, C0 C3 फाइंड करेगा, C1 C2 फाइंड करेगा, एंड देन C2 C1 फाइंड करेगा, एंड देन C3 C0 फाइंड करेगा। C0 इसको बेस कंडीशन से मिल जाएगा, लेकिन ये C3 के लिए फिर से चल देगा, फिर से रन कराने लगेगा, तो C0 C1 फाइंड करेगा, C0 C2 फाइंड करेगा, C1 C1 फाइंड करेगा, एंड देन C2 C0 फाइंड करेगा। ये बेस कंडीशन है, C2 को फाइंड करने है, फिर चल देगा, C2 को फाइंड करने चलेगा तो ये मिलेगा इसको C0 C1 प्लस C1 C0 से, ये बेस कंडीशन है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये भी आंसर मिल जाएगा इसको, ये भी आंसर मिल जाएगा, ये भी आंसर मिल जाएगा, इसका मतलब C2 का आंसर मिल गया। फिर ये भी बेस कंडीशन है, ये भी बेस कंडीशन है, इसको बड़ी आसानी से नंबर्स मिल जाएंगे। C2 के लिए फिर से अपना, जब C2 के लिए कॉल होगा तो ये फिर से रिकर्सिव कॉल करेगा, और जो कंप्यूटेशन हम पहले से कर चुके थे ये दोबारा से इस कंप्यूटेशन को करेगा। जब ये वैल्यू उसको मिल जाएगी देन ये C0 के लिए कॉल करेगा, तो फाइनली ये C3 को एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, C3 की वैल्यू होती है 5। इसको ये दोनों वैल्यू मिल गई है, अब ये दोनों वैल्यू फाइंड करेगा, इसके लिए C1 इसको बेस कंडीशन से मिल जाएगा, लेकिन C2 के लिए फर्दर कॉल करेगा, वही कॉल करेगा जो पहले इसने पहले कॉल कर चुका था। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल रिपीटेडली हम जो है सेम नंबर के लिए कैटलॉग नंबर फाइंड कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं जिसको हम ऑलरेडी फाइंड करके रख चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें रिडंडेंट कॉल्स हो रही हैं, और रिडंडेंट कॉल्स के कारण जो है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही है, इसीलिए ये हमें आंसर नहीं दे पा रहा। तो हमें एक ऐसा मेथड फाइंड करना पड़ेगा जिससे कि हम इसकी जो एक्सपोनेंशियल कॉल्स वाली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकें। अगर हमने एक नंबर ऑलरेडी फाइंड कर लिया है तो उसको दोबारा से ना फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल मेंटेन कर लेते हैं, और अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारे डायरेक्ट एड्रेस टेबल में वो वैल्यू प्रेजेंट है क्या। तो जो तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल है, लेट से हमने एक रैंडम साइज का डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लिया है और इसमें सभी एलिमेंट्स को जीरो इनिशियलाइज कर दिया है। सब ये जो डिक्लेरेशन, इसका मीनिंग ये नहीं कि सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट जीरो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो। एक इनिशियलाइजेशन का एक तरीका होता है कि अगर आप एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करते तो बाकी सारे डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो अब इसके बाद अगर हमें किसी एक कैटलॉग नंबर को फाइंड करना है, ये जो बेस कंडीशन इसको हम नहीं छेड़ते C0 एंड C1 वाली, लेकिन अगर हमें इसके बाद किसी नंबर का कैटलॉग नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या DATN की पोजीशन पे जीरो है। अगर DATN की पोजीशन पे जीरो, इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को हमने पहले से नहीं फाइंड किया है। तो अगर हमने इस नंबर को पहले से नहीं फाइंड किया तो हमें इसको रिकर्सिव कॉल के थ्रू फाइंड करना चाहिए, और रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कॉल करने के बाद हमें DAT में उस वैल्यू को सेट कर देना चाहिए। एक बार हमने जब फाइंड कर लिया कैटलॉग नंबर एन की वैल्यू जो कि एस है, तो इसको हमें DAT में सेट कर लेना चाहिए, और DAT में सेट करने के बाद
हम क्या करेंगे, डीएटी की ही वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। सो डीएटी एन, फाइन। सो हमने डीएटी एन को रिटर्न कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया कि अगर हमने चेक किया कि अगर डीएटी एन जीरो, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू हम पहले से फाइंड नहीं किया हमने। अगर हमने पहले से फाइंड कल किया हुआ है तो ये नॉन जीरो वैल्यू होगी। आपको भी पता है कि सी टू ऑनवर्ड सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो हमने अगर एक बार फाइंड कर लिया रिकर्सिव कॉल के थ्रू, तो उसी डीएटी में इस वैल्यू को सेट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट कॉल के लिए, सब्सिक्वेंट कॉल के लिए ये फिर से रिकर्सिव कॉल्स ना करें। सो हमने ये डीएटी एन रिटर्न कर दिया। रन करके देखते हैं इसको, तो ये डीएटी 20 की वैल्यू हमें नेगेटिव दे रहा है। इसका रीजन ये है कि जो वैल्यू है वो क्रॉस कर रही है हमारे लिमिट को। अगर हम इसको लॉन्ग डिक्लेयर कर दें तो ये हमारी वैल्यू रेंज में आ जाएगी। तो इसमें एलडी कर देते हैं। और क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, ये जो डीएटी है इसको भी लॉन्ग करना पड़ेगा और इस कैटलॉग नंबर का रिटर्न टाइप भी लॉन्ग करना पड़ेगा। और इसके बाद यस, हमें और कोई चेंज करने की जरूरत है? यस, हमें ये चेंज करने की जरूरत है एस की वैल्यू जो कि लॉन्ग होनी चाहिए। देख, हम छोटी वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। लेट से हमने कैटलॉग 15 फाइंड किया, तो यस कैटलॉग नंबर 15 की वैल्यू हमारी सही आ रही है। अगर हम एक काम करना चाहें कि एक रेंज में कैटलॉग नंबर प्रिंट कराना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ एक लूप लगा देते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 15, एंड देन आई प्लस प्लस। लूप में हम कैटलॉग नंबर को फाइंड करते हैं और इसको प्रिंट करते रहते हैं लगातार। तो यहाँ पे 15 की जगह हम पास कर देते हैं आई, और ये कैटलॉग नंबर फाइंड करता रहेगा और आप इसको प्रिंट करते रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि नंबर के साथ साथ कैटलॉग नंबर प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे परसेंटाइल डी मतलब आई की वैल्यू एंड देन फॉलोड बाय अ सिंगल स्पेस या एक हाइफन लगा दीजिए या एक कोलन लगा दीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। और सबसे पहले आई प्रिंट कर दीजिए एंड देन उसके बाद एक्स प्रिंट कर दीजिए, स्लैश टी लगा दीजिए या स्लैश एन लगा दीजिए, जिससे कि नए कैटलॉग नंबर न्यू लाइंस में प्रिंट हो। आप देख सकते हैं कि ये कैटलॉग नंबर्स हैं जो कि 1 से लेके 15 तक सारे कैटलॉग नंबर्स डिस्प्ले हो गए। सो हम लोगों ने अभी जो मेथड देखा उसमें हमने डायरेक्ट एड्रेस टेबल का यूज किया और साथ ही साथ हमने यहाँ पे यूज किया है रिकर्शन को। तो जो हम रिकर्शन को यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ डीएटी मतलब मेमोरी एड्रेस टेबल का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रीवियस वैल्यूज को यूटिलाइज कर रहे हैं, मेमोराइजेशन कर रहे हैं हम जब भी किसी वैल्यू को फाइंड कर ले रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये सिंपल सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिंगल डायमेंशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और तरीका देखेंगे जिससे कि हम कैटलॉग नंबर फाइंड कर सकते हैं, वो एक मैट्रिक्स मेथड है। यहाँ पे हमने बॉटम अप अप्रोच में फाइंड किया है कैटलॉग नंबर को, वहां पे हम टॉप डाउन अप्रोच से कैटलॉग नंबर को फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।